बड़े आई होप सो कि टाइप ऑफ एसिड बेस का जो पहला पार्ट था हमारा आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस आपको अच्छी तरीके से उसके सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, राइट। अभी तक मेरे पास किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं आया है, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आए हैं। क्लियर बेटे? चलो ठीक है, अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे एंड दैट इज द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है बेटा? ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, कभी कभी इसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस भी बोला जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बोला जाए या ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बोला जाए, दोनों एक ही चीज है बेटा, ऑफ एसिड एंड बेस, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं करना। एसिड एंड बेस पूरा इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। चलिए अब यहां पर क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं ना, ये एच प्लस डोनर होते हैं कहीं भी। अगर कोई कंपाउंड एच प्लस दे रहा है तो उसे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे, और अगर वो एच प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, एच प्लस एक्सेप्टर, तो वो क्या हो गया बेटा? वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। क्लियर है? चलो अब इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं, उससे पहले हम एक और टर्म यहां पर जो है काफी इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है, तो उसको भी देखते हुए तब फिर हम एग्जाम्पल आते हैं, और वो टर्म है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा ये टर्म खूब यूज होगा, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना कि जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात की जाती है ना, तो यहां क्या होगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर एक दूसरे से, वो डिफरेंट कैसे होंगे? डिफर बाई ओनली वन प्रोटॉन, दोनों में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है ना? अच्छा दूसरी बात, एग्जाम्पल देखेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमको बेटा, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो पहले तो बेस होगा और कैसा होगा? वीक होगा। सिमिलरली अगर वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और बेस होगा, राइट। यानी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड। तो उल्टा भी कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, वीक बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, राइट। तो इसका बेटा जस्ट आपको क्या कर लेना है, वाइस वर्सा। मतलब समझ के वाइस वर्सा का क्या यूज है यहां पे? यहां पर हम क्या कर देंगे, अगर बेस कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा, राइट। ये तो बात हो गई। चलो अब ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस और कॉन्जुगेट के सारे की बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारा एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो एच प्लस देता है, एसिटेट आयन और एच प्लस। तो एसिटिक एसिड ने एच प्लस दिया तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। अच्छा हमें पता है कि ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये एसिटेट आयन, ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग
बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा बेटा, तो अब मान लो हमसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो हमें क्या करना है, एसिड है ना, एच प्लस देगा ना, तो इसमें से बेटा आप एक एच प्लस रिमूव कर दो, राइट। ये एसिटेट आयन इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया, क्लियर। अच्छा मान लो अगर बोला जाए कि एसिटेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो हम बोलेंगे भाई कि एसिटेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड मतलब एसिटेट आयन बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, तो बेस क्या करता है, एच प्लस एक्सेप्ट करता है, तो एच प्लस इसमें ऐड कर दीजिए, ये एसिटिक एसिड बन गया। यानी एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन है, और एसिटेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो कौन है, एसिटिक एसिड है, क्लियर बेटे। तो एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेट दे डिफर ओनली इन द प्रोटॉन, दोनों में सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, प्रोटॉन का है, राइट। चलो इसी तरीके से बात कर लेते हैं, जैसे सपोज करो मान लो अमोनिया दिया, ठीक है, और बोले कि भाई अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बताइए। अब ऑब्वियस सी चीज है कि अगर कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है तो अमोनिया किस तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, और इसका एसिड पूछ रहा है तो बेस क्या करता है बेटा, H प्लस एक्सेप्टर, इसमें H प्लस ऐड कर दीजिए, क्या बन गया, यहां बन गया अमोनियम आयन, राइट। तो ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड हो गया, क्लियर है बेटे, आई थिंक सो, कोई डाउट नहीं होगा। चलो अगर डाउट नहीं है तो अगला मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप उसे बनाओ। सपोज करो कि अगर आपको बोला जाए HCl और पूछा जाए HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसका मतलब HCl किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, कॉन्जुगेट बेस, आंसर आपका आ गया होगा राइट, Cl माइनस। तो ये हो गया एसिड, और इस एसिड का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, राइट। और अगर हमसे मान लीजिए पूछा जाए कि Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो HCl, सिंपल है। चलिए सपोज करिए बेटा, अगर यहीं पर हम आपसे बोलते कि एसिटिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा इसको जरा, ये एसिड है, हम बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताइए, देखो जैसे ही बात आ जाती है इसके कॉन्जुगेट एसिड की, इसका मतलब कि यहां ये किस तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, ठीक। अब यहां पर बच्चों के दिमाग तुरंत खुले होंगे, यार सर तो गड़बड़ बता रहा है, ठीक नहीं बेटा, आपको ध्यान देना है कि एसिटिक एसिड जो है इसे हम एसिड तो बोलते हैं और ये वीक एसिड है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट के इफेक्ट को देखोगे ना, तो ये एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, इवन यही एसिटिक एसिड जो है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, राइट। क्यों, ये एसिटिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ऐड कर दिया जाए, तो इसका जो ये OH ग्रुप होता है ना, उस पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वहां तो ये डिसोसिएट होगा नहीं, और उस सिचुएशन में ये बनाता है CH3COOH2+, और ये बेस की तरफ बिहेव करता है, और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, राइट। तो अब एक चीज आप दिमाग में ध्यान रखेंगे हमेशा, वो क्या, कि जो एसिड है, कोई भी पर्टिकुलर एसिड है, वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ जो है कौन सा सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, या वो किस मीडियम में है, क्लियर। लेकिन जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो वाटर को लेके किया जाता है, और वाटर के रिस्पेक्ट में एसिटिक एसिड कैसा होता है बेटा, वीक एसिड होता है। लेकिन इसी एसिटिक एसिड को थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूं कि ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड
अगर वाटर में लिया जाए तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर यही एसिटिक एसिड जो है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ लिया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसी एसिटिक एसिड को अगर HF या HI में यूज किया जाए तो फिर ये बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक, यहां पर H+ एक्सेप्ट कर रहा है, क्लियर है। तो सेम एक ही कंपाउंड सॉल्वेंट डिफरेंट यूज करने पर डिफरेंट बिहेव कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जिसको मैंने अलग से डिस्कस कर दिया, इसे आप ध्यान रखोगे और एक साइड रखोगे, क्लियर। बाकी बातें हम जो यहां कर रहे हैं हम इसी पर अपना फोकस रखेंगे, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहीं इस तरह की सिचुएशन आए तो आप कोई गलत स्टेटमेंट ना दें, राइट। चलिए बेटे, अब आते हैं हम फिर अपने अगले पॉइंट्स पर। जैसे सपोज करो कि अगर हम H3PO4 लेते हैं ना, तो ये H3PO4 डिसोसिएट करेगा H+ और H2PO4- में, राइट। अब यहां देखो जरा क्या है, ये एसिड हुआ और ये उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, बेस। तो ये हमारा एसिड हो गया और ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अच्छा, अगर इसको फिर से हम डिसोसिएट करें H2PO4- को, हम फर्दर डिसोसिएट करें तो ये HPO4-2 बन जाएगा और प्लस H+ दिया, तो यहां ये किस तरह बिहेव किया, एसिड की तरह, और ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, राइट। अगर ये फर्दर डिसोसिएट करा रहे हैं हम HPO4-2, ये फर्दर डिसोसिएट करे, एक H+ और दिया और PO4-3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया एसिड की तरह बिहेव किया और ये उसका क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि H3PO4 तो ये क्या है बेटा, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये H+ दे रहा है, राइट। लेकिन अगर हम H2PO4- की बात करें तो देखो यहां तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट करके वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहां यही एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब H2PO4 बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो H2PO4- एक्ट्स एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सिमिलरली HPO4-2 बिहेव्स एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस, क्योंकि यहां HPO4-2 कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा है और इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछा जाए तो वो कौन है, H2PO4-, और यहां यही एसिड का काम कर रहा है और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, PO4-3। तो सिंपल चीज है बेटा, ध्यान देना, अगर मान लो हमसे बोला जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड है या एसिड हमको दिया गया और वहां पर हमसे बात की जाए उसके कॉन्जुगेट एसिड बेस की, अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो उसमें से H+ रिमूव कर दो, कॉन्जुगेट बेस बन गया, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो उसमें H+ ऐड कर दो, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, क्लियर है। सिंपल चीज आपको दिमाग में रखनी,
कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है, इसका मतलब कंपाउंड हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें से एच प्लस निकाल दो, जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। और कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है मतलब कंपाउंड हमारा जो है वो कॉन्जुगेट एसिड पूछा जा रहा है मतलब कंपाउंड हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा, तो बेस क्या होता है एच प्लस एक्सेप्टर, इसमें एच प्लस एड कर दो, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया करस्पॉन्डिंग। क्लियर? चलो, ये तो यहां बात हो गई जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। ठीक है, अब जैसे बेटा सपोज करो कि हमने कुछ एग्जांपल आपको बताए, लेट अस सपोज कि जैसे अगर NH3 है, तो हमने बताया कि भाई अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछता है तो इसमें H+ ऐड कर देंगे, लेकिन मान लो अगर पूछे NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसका मतलब ये NH3 अब किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो आपको क्या करना है, इसमें से एच प्लस निकाल देना है। राइट, एच प्लस यहां से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये एसिड होगा और ये उसका क्या होगा, एनएच टू माइनस उसका हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। राइट, तो अगर एनएच थ्री का कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है तो आपको सिंपल क्या कर देना है कि वहां से एच प्लस को रिमूव कर देना है, उसका करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस आ गया। एक और एग्जाम्पल जैसे आपको बताएं, सपोज करो अगर एच थ्री Fe H2O whole 6, राइट, प्लस 2, अगर हमसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो ऑब्वियस सी चीज है ये कंपाउंड हमारा किस तरह बिहेव किया, एसिड की तरह, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें से एक H+ को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, हम यहां पर चार्ज बेटा जो है प्लस 3 ले लेते हैं, तो प्लस 2 में जो है स्टेबल आ जाएगा ये। ठीक है, फेरिक आयन यहां पर प्रेजेंट है। अच्छा, अब हमसे बेटा क्या पूछा जा रहा है, इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब ये खुद किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, तो जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये एक एच प्लस देगा, तो एच प्लस तो इसी वाटर से निकल के आएगा ना, तो 5 वाटर में से एक वाटर से एच प्लस निकालोगे तो ओ एच माइनस बचेगा, तो यानी अब हो गया Fe H2O कितना बच गया, 5, और एक अलग से क्या बचा, OH माइनस, तो इस OH माइनस ने Fe3 प्लस के एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहां कितना आया प्लस 2, और प्लस जो H प्लस निकला वो H3O प्लस के साथ कंबाइन हो गया। राइट, तो यहां ये किस तरह बिहेव किया बेटा, एसिड की तरह बिहेव किया, और इसका ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। राइट, आई होप सो आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब इसके बाद बेटा जो है हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज द लेविस एसिड एंड बेस। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड एंड बेस, अब लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है इस पर थोड़ा सा बात करें। लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस, एसिड किसे बोलेंगे बेटा, एसिड हम बोलेंगे उन स्पीसीज को जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, राइट, और बेस किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। ठीक है, अच्छा यहां से तो एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि लेविस जो होंगे, एसिड जो होंगे वो क्या होंगे, लेविस एसिड जो होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, या उनको की एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, उनके पास वैकेंट स्पेस हो सो दैट वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और जो बेस होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो लेविस एसिड होंगे वो क्या होंगे, आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
या उनके पास वैकेंट स्पेस हो, वैकेंट स्पेस। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लेविस बेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसे बात करें बेटा जो है लेविस एसिड की। तो लेविस एसिड में जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। पहले तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट यही समझ लें। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन कम किसके पास होगा? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में दो ही चीजें आ सकती हैं। क्या? एक तो बेटे आ सकते हैं कैटायंस, ठीक है, और दूसरे आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अच्छा, कैटायंस में जैसे Fe2+ हो गया, Cu+ हो गया, Ni2+ हो गया, जो भी है कैटायंस है, ठीक है ना, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा देखो, सारे कैटायंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो टेंडेंसी तो उनकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की होती है। लेकिन कुछ कैटायंस हैं बेटे जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या न के बराबर है। वो कैसे? जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस। अच्छा, ऐसा क्यों है? उसका रीजन है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है अपने आयनिक फॉर्म में, तो आयनिक फॉर्म में वो स्टेबल होते हैं, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, राइट? तो कैटायंस की हम बात करेंगे कि कैटायंस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे हमने ये दिया, राइट? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे BF3, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बटे? 3। फ्लोरीन की 3 की बॉन्डिंग हो गई, कितने हो गए? 6। लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। क्लोरीन की 3 की बॉन्डिंग हुई लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, तो ये सभी मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करेंगे? लेविस एसिड की तरह। क्लियर? चलो अब इसके बाद बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये मल्टीपल बॉन्ड्स किन के बीच में होना चाहिए? तो मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, राइट बेटे? अच्छा, इसके जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देखें। जैसे सपोज करो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। अब ये तो समझ में ही नहीं आया कि यार ये कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देख लें। ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब OH- के साथ ये रिएक्ट करें तो OH- तो ऑब्वियस चीज है ना, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना किसको देगा, कार्बन को, राइट। और ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो अगला हमारा जो स्पीसीज बन गई वो क्या बन गई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां आके क्या जुड़ गया, OH ग्रुप। ये क्या बन गया बेटा, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, राइट। तो यहां पर ये कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन पेयर OH ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेप्टर है दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड हियर एक्ट्स एज लेविस एसिड, राइट, एंड हाइड्रोक्साइड आयन हियर एक्ट्स एज लेविस बेस, क्लियर बेटा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किस तरह बिहेव किया, बेस की तरह। चलो अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स विच हैव अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो PX3 टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, SiX4 etc. ये किस तरह बिहेव करेंगे बेटा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि इन सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और अगर वैकेंट स्पेस है, मैंने आपको यहां बताया था कि जो लेविस एसिड है वो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या तो उनके पास क्या हो, वैकेंट स्पेस, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये मॉलिक्यूल्स के पास वैकेंट स्पेस है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट्स व्हाई दे एक्ट्स एज लेविस एसिड, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा लेविस बेस की। तो हमने बताया कि लेविस बेस जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, ऑब्वियसली जैसे OH माइनस, Cl माइनस, या ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक, जैसे NH3 अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वाटर ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, एल्कोहल ROH ग्रुप ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, एमीन RNH2, ठीक। तो इस तरीके के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है किस तरह बिहेव करेंगे बेटा, लेविस बेस की तरह। ईथर भी बिहेव कर सकता है लेविस बेस की तरह, ठीक है, ETC, क्लियर है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जैसे BH3 है, राइट, और इस BH3 को हम NH3 के साथ रिएक्ट कराएं, और रिएक्शन के बाद हम यहां पर ये साइन यूज नहीं करेंगे बेटा, उसका रीजन है कि इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का होता है, इसलिए इस चीज को ना यूज करके हम ऐसे इक्वल का साइन, कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं BH3 कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ अमोनिया, राइट, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अगर आप जाओगे बेटा, तो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको कि यहां पर इस स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल
प्लेनर होती है, राइट। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp3 होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, जबकि इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है। जबकि आफ्टर द रिएक्शन ये जो स्पीसीज बनता है, इस स्पीसीज में दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितना हो जाएगा, sp3, राइट। और दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाती है वो क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, बोरॉन और नाइट्रोजन के करेस्पॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात करें जो है, जैसे बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में अगर हम बात करें, तो कॉम्प्लेक्स में हमारा जो पार्ट होता है, जैसे सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स आयन ले लें, -4, जैसे ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स हो गया पर्टिकुलर, ठीक। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि दो पार्ट होता है, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, और ये जो होते हैं, ये होते हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल जो होता है, ये सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है, यानी सेंट्रल मेटल जो है हमारा वो किसका काम करेगा, लेविस एसिड का, ठीक। हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन वो किसका काम करेगा, लेविस एसिड का, जबकि हमारे जो ये लिगेंड्स होते हैं ना, ये लिगेंड्स किसका काम करेंगे, लेविस बेस का, राइट। किसका काम करेंगे, लेविस बेस का। अगर इसकी स्ट्रक्चर को बेटा हम देखें, तो कॉम्प्लेक्स में जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जो फेरस आयन होता है Fe2+, राइट, ये सेंट्रल मेटल आयन है, और इसको जो साइनाइड आयन होते हैं हमारे लिगेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करते हैं, राइट। साइनाइड आयन, सभी साइनाइड आयन जो है 6 साइनाइड आयन होंगे, ये साइनाइड आयन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो साइनाइड आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं यहाँ पर, राइट, कॉम्प्लेक्स में। तो जिन बच्चों को लिगेंड्स टर्म नहीं समझ में आ रहा ना, आप इसे समझ लेना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये Fe2+ है, तो +2 ये और -6 ये, तो इस टोटल के ऊपर चार्ज कितना आता है, -4, ये है बेटा, ठीक। फेरोसाइनाइड आयन, इसे क्या बोलते हैं, फेरोसाइनाइड आयन, राइट। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो लेविस एसिड से रिलेटेड बातें की जाती हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम बात करें एल्युमिनियम क्लोराइड की, राइट, फिर हम बात करें एल्युमिनियम ब्रोमाइड की, फिर हम बात करते हैं एल्युमिनियम आयोडाइड की, I3, और हमसे पूछा जाए बेटा इसमें ऑर्डर ऑफ लेविस एसिड स्ट्रेंथ बताइए, तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ एल्युमिनियम क्लोराइड की ज्यादा होगी, ब्रोमाइड की कम होगी, आयोडाइड की उससे कम होगी। एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे, देखो सब में एल्युमिनियम तो कॉमन है, यहां पर क्लोरीन अटैच है, यहां ब्रोमीन अटैच है, यहां आयोडीन अटैच है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये एल्युमिनियम सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो एल्युमिनियम सेंटर जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इस पूरे जो एल्युमिनियम सेंटर की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, दैट्स वाई इसका लेविस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम
इंक्रीजेस लेविस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बेटा जो है तुरंत इसके बाद अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इसमें लेविस एसिड का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर BF3 का ज्यादा, BCl3 कम, BBr3 उससे कम और BI3 सबसे कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर कम होती जा रही या इधर बढ़ती जा रही है, तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। राइट, आप सही हो, लेकिन बेटा यहां पर ऑर्डर जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट आता है। ठीक है, यहां ऑर्डर क्या होगा? एग्जैक्ट अपोजिट आएगा। अब इसका क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखो बेटे, सबसे पहले क्या है कि हमारा जो बोरॉन है ना, इस बोरॉन पर फ्लोरीन अटैच है। चलो हम इसकी बात करते हैं, और ये जो फ्लोरीन है इसके जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उन फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। राइट, बोरॉन जो है इस बोरॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिट वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है ना bf3 में, तो एक पी ऑर्बिटल यहां वैकेंट। अच्छा, ये पी ऑर्बिटल कौन सा है? 2p है। फ्लोरीन पर पी ऑर्बिटल कौन सा है? 2p है। तो इनकी एनर्जी और साइज भी ऑलमोस्ट क्या होंगे? सेम, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होंगे लेकिन ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो यहां क्या होता है कि जब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जब प्योर फॉर्म में होता है तो यहां क्या होता है कि फ्लोरीन अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। राइट, और ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, राइट। तो यहां बैक बॉन्डिंग के कारण बोरॉन सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए इसका लेविस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बात आती है यहां पर कि सर जो है, चलिए ठीक है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, तो क्लोरीन तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन वापस देना चाहिए। लेकिन नहीं बेटे, आप ध्यान दोगे कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन में ये जो पी ऑर्बिटल होगा ये 2p ना होके 3p होगा, ब्रोमीन में ये 4p होगा और आयोडीन में ये 5p होगा। तो जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी और साइज का डिफरेंस बढ़ने के साथ ये बैक बॉन्डिंग वीक होने लगता है, और वीक बैक बॉन्डिंग होने के कारण इस बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी रहती है, जिसके कारण इसकी लेविस एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जबकि इसकी लेविस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, और साथ में बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि आप वीडियो को स्टॉप करके अपने जो क्लास नोट्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया करो, ताकि दोबारा आपको जब भी पढ़ना हो तो आप इन चीजों को आसानी से रिवाइज कर सको और कम टाइम में रिवाइज कर सको, क्योंकि बार बार वीडियो आप देखोगे तो आपके टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होंगे जो है। एक बार आप वीडियो देखो, क्लास नोट्स आप अपने पूरे प्रिपेयर कर लो, और प्रिपेयर करने के बाद उसको पढ़ते रहो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे लगते चले जाएंगे आपको बेटा पढ़ने में अपने आप मजा आएगा। क्लियर है? तो स्टडी करो और इंजॉय करो। ओके डियर।